हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, उस टॉपिक को आपने पहले ही मेरी वीडियो पे पढ़ लिया होगा। वीडियो का जो मेरा टाइटल है, उस टाइटल में आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा होगा। हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो जो टॉपिक है हमारा वो है आर्टिकल 370 और साथ में आर्टिकल 35A। ठीक है, आज ये जो टॉपिक है, जो कल जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो संसद में पेश किया, उस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा करेंगे तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35, जब तक आप आर्टिकल 370 को अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक आपको आर्टिकल 35 समझ में नहीं, 35A समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट कर दें हम अपना आर्टिकल 370। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये देश के लिए बहुत ही, जिस तरीके से हम बात करें 1971 की, जिस समय हमने इंदिरा गांधी के टाइम में जो फ्रीडम फील किया था, बात करें 1974 की फर्स्ट टाइम परमाणु परीक्षा जो हमने किया था, उसके बाद बात करें 1998 की माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब हमने फील किया था सेकंड अपना परमाणु परीक्षण, कारगिल विजय, स्वतंत्रता हमने उस समय फील की थी, वही स्वतंत्रता आज पूरे देश भर में फिर से हम सभी लोग फील कर रहे हैं। और आप ही जानते हो ये चर्चा का विषय नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, नॉट ओनली फॉर माननीय बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं हमारे, और जो नॉर्मल व्यक्ति हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, जो जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के बारे में नहीं पता, वो लोग भी इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने आर्टिकल 370 की। 370 जो कि पार्ट 21 है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 21, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें छिपी हुई है फॉर द स्टूडेंट्स जो कि उसकी तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो है वो पार्ट 21 में, उसकी जो कहते हैं ना हेडिंग है, उसमें ही बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। उस बात को मैं आपको क्लियर कर दूँ, बात इसमें तीन वर्ड दिए हुए हैं, अस्थाई, दूसरा दिया हुआ है संक्रमणशील, और तीसरा दिया हुआ है इसमें विशेषाधिकार। ठीक है, अस्थाई, संक्रमणीय और विशेषाधिकार, ये तीन वर्ड अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि आपको पूरा सार बताएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्यों आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना, देखिए आर्टिकल 370 क्यों जोड़ा गया, हम बात इस टॉपिक पे कर रहे थे। तो आर्टिकल 370, ठीक है, जो हमारा पार्ट 21 है वो सिर्फ बात करता है आर्टिकल 370 नहीं, बात करता है आर्टिकल 369 से लेके आर्टिकल 392 तक। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट हमारी बात करता है कहां से कहां तक करता है, 369 to 392 तक ये हमारा आर्टिकल बात, ये पूरा पार्ट बात करता है। अब बात करते हैं 370 की बात कर रहे हैं, तो 370 हमारा क्यों जोड़ा गया था। ठीक है, तो जब 1947 में भारत आजाद हुआ, सो इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया 1947, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया हमारा स्वतंत्र हुआ, तो उस समय बात ये आई कि जितने भी स्टेट्स हैं वो सब क्या होंगे, वो भारत के स्टेट होंगे। जैसे कि आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 में डेफिनेशन क्या दी हुई है, आर्टिकल 1 में डेफिनेशन एक ये दी हुई है कि भारत एक इंडिया है, ठीक है, और जो उसके राज्य वो भारत में होंगे, यानी संघ राज्यों का एक इंडिया बनेगा। ठीक है, तो ये बात कहा गई है, आर्टिकल 1 में ये बात कही गई है। उसी तरीके से आर्टिकल 70 में ये बात कही गई है कि आर्टिकल 70 में जम्मू एंड कश्मीर है वो भारत का एक राज्य होगा। ठीक है, तो जिस समय उस समय जब भारत का राज्य उसमें नहीं शामिल किया गया, तो उस समय क्या था, उस समय देसी रियासतें चलती थी। ठीक है,
देशी रियासतें होने हो थी उस समय करीबन 600 देशी रियासतें थी। तो उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन रही थी तो उस समय ये बात आई कि जब जम्मू एंड कश्मीर है उसको एक समझौता किया गया और मतलब बोला गया कि क्या जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में मिलाया जाए। नहीं, वहाँ पे कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर चाहे तो भारत का पार्ट बने, चाहे तो पाकिस्तान का पार्ट बने, चाहे तो वो एक स्वतंत्र राज्य बने। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया गया और उसी उसके अलग से जो उस समय उसके शासक हुआ करते थे वो हुआ करते थे महाराजा हरि सिंह जी। महाराजा हरि सिंह ने क्या किया, उसके बाद ही जब पाकिस्तान की नापाक नजरें उसके ऊपर जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर आई, उसने जब पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पे हमला किया तब उस समय राजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ मिलकर एक समझौता किया जिसे स्टैंड स्टील एग्रीमेंट कहा जाता है, SSA कहा जाता है। ठीक है, SSA किया, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। ठीक है, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट जब आया उस समय महाराजा हरि सिंह ने कहा कि उस समय जरूरत पड़ी कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको इंडिया के साथ विलय किया जाए। तो जब इंडिया के साथ उसका विलय किया गया तो उस समय कुछ पार्ट इंडिया में आ गया, कुछ पार्ट पाकिस्तान में चला गया, जिसे हम पोक बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया का कुछ, जम्मू एंड कश्मीर का कुछ पार्ट किस में विलय हुआ, इंडिया में, एंड कश्मीर का कुछ पार्ट विलय किस में हुआ, पाकिस्तान में, यानी पोक, जिसे हम बोलते हैं पोक। ठीक है, इस तरीके से इनमें विजय हुआ। बात करते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके साथ ही 26 अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ में समझौता किया। ठीक है, समझौता क्या हुआ, एक विलय समझौता हुआ और समझौते के बाद ये निकल के आया कि कुछ पार्ट हमारा इंडिया में मिल जाएगा, कुछ पार्ट हमारा पाकिस्तान में मिल जाएगा। उसी के साथ जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर, जब पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर हमला किया तो उस मुद्दे को सुलझाने के लिए हम कहाँ गए, यूएनओ। ठीक है, यूएनओ हम कब गए, 26 अक्टूबर 1947 को हम यूएनओ गए। यूएनओ में मुद्दा रखा गया कि पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर हमला कर रहा है, उसको उस हमले को समाप्त किया गया। यूएनओ में जाकर उस हमले को समाप्त किया गया और 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हुआ और उस विराम के बाद कश्मीर का बड़ा भाग भारत में मिल गया और कुछ पार्ट पाकिस्तान में मिल गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जैसा कि ठीक है, तो बात ये थी। और उसी समय क्या हुआ, इस घटना के दौरान ही संविधान निर्माण की जब प्रक्रिया चल रही थी तो उसी समय राजा हरि सिंह, उस समय के बहुत ही जाने माने नेता शेख अब्दुल्ला और पीटी नेहरू, यानी पंडित नेहरू के सामने एक, इन तीनों के बीच में एक वार्तालाप हुई। उस वार्तालाप के दौरान 13 अक्टूबर को आर्टिकल 306 जो कि अस्तित्व में लाया गया। किस किस के बीच हुई ये वार्तालाप, फर्स्ट बात हरि सिंह, शेख अब्दुल्ला, पीटी नेहरू। ठीक है, हरि सिंह, शेख अब्दुल्ला, पीटी नेहरू के बीच जब ये बात हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच जब ये बातें हुई, उसी दौरान क्या हुआ, आर्टिकल, इन तीनों के वार्तालाप के दौरान 13 अक्टूबर को आर्टिकल अनुच्छेद 306A, आर्टिकल 306A अस्तित्व में आया। ठीक है, आर्टिकल 306 कब अस्तित्व में, 13 अक्टूबर को। ठीक है, और इसको संविधान में जोड़ दिया गया। उसी के दौरान इसको एक्सेप्ट कब किया गया, वही बात हम करेंगे, 17 अक्टूबर 1949 को। 17 अक्टूबर 1949 को क्या हुआ, इसे एक्सेप्ट किया गया और इसे संविधान में जोड़ दिया गया।
ठीक है, लेकिन इसके विरोध में जब कुछ गतिविधियां हुई, इसका विरोध जब इसका विरोध हुआ कि आर्टिकल 306A की क्या जरूरत है, क्यों अलग से जम्मू एंड कश्मीर को संविधान का पार्ट में अलग से जोड़ा जा रहा है, क्यों उनको और स्टेट के साथ नहीं जोड़ा जा रहा है, तब उसका जवाब देने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर एन गोपाल चरण अय्यर ने इसका जवाब दिया और उन्होंने बताया कि आर्टिकल 306A की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 306 इस तरीके से आया और ये आर्टिकल 306A ही हमारा क्या नाम का बदला हुआ नाम ही हमारा क्या बना, आर्टिकल 370, जो आज का हमारा मेन मुद्दा है वो है आर्टिकल 370। देखिए स्टूडेंट्स, जब तक आप इसके बारे में प्रीवियस हिस्ट्री नहीं जानेंगे तब तक आप आर्टिकल 370 को क्लियर नहीं कर पाएंगे, और आर्टिकल 370 को क्लियर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आर्टिकल 35A आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप टॉपिक पे आते हैं, अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, आर्टिकल 370। ठीक है, आर्टिकल 370 को हम बांटेंगे तीन पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में हम आर्टिकल 370 को बांटेंगे? थ्री पार्ट्स में। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि जिस तरीके से मुद्दा उठ रहा है कि क्या आर्टिकल 370 पूरी तरीके से समाप्त हो गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उसका जवाब मैं एक इन शॉर्ट दूंगी, नहीं, आर्टिकल 370 का अस्तित्व अभी भी है, लेकिन उसका जवाब आपको डिटेल में तब मिलेगा आप इसको आर्टिकल 370 को समझ लेंगे। तो बात करते हैं आर्टिकल 370। ठीक है, आर्टिकल 370 को हम बांटेंगे तीन पार्ट में। फर्स्ट, संघ सूची, और संवर्ती सूची, ठीक है। आर्टिकल 370 का वन कहता है कि जो संघ सूची है, जो संवर्ती सूची है, वो कैसे बनेगी, वो मतलब इसमें स्टेट के कौन से वो अपार्ट आएंगे, तो इसमें बताया गया है कि जिन विषयों पर जम्मू एंड कश्मीर पर जिस विषयों पर जम्मू एंड कश्मीर, पहले तो आप लोगों को ये पता ही होगा कि संसद में जो भी कानून बनता है वो राष्ट्रपति के द्वारा पारित किया जाता है, संसद में पारित किया जाता है, राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। ठीक है, तो बताया गया कि दोनों लिस्टों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, संसद के द्वारा बनाए गए कानून पर भारत में लागू होने के लिए जम्मू कश्मीर में भी प्रावधान है कि जम्मू कश्मीर में ये कानून बना है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से परामर्श करके राष्ट्रपति उसको लागू करेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर की एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी। ठीक है, जब जम्मू एंड कश्मीर की अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जब भी कोई जम्मू एंड कश्मीर के लिए संसद में कोई कानून लाया जाएगा तो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर द्वारा उसको लागू करता है। कौन लागू करता है इसको? राष्ट्रपति। और यहीं पे आर्टिकल 1 की जो बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो सारे जो लॉज होंगे वो 370 पे लागू कैसे होंगे, तो 370 पे कैसे लागू होंगे? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा। तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसी समय एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकालता है, जिसे क्या निकालता है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जिसके थ्रू आर्टिकल 35A में ये बात लिखी जाती है कि ये 370 लागू, 370 पे ये लॉ लागू होंगे। ठीक है, तो किसके थ्रू आती है, तभी हमारा निकल के क्या आता है, आर्टिकल 35A निकल के आता है। बात करेंगे 35A की आगे डिटेल में कि 35A कहाँ पर है और कैसे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद करते हैं आर्टिकल 370 का 2 क्या कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर का निर्माण कैसे होगा। जम्मू एंड कश्मीर का निर्माण जैसे कि मैंने बताया था कि तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, संघ सूची, संवर्ती सूची। ठीक है, दूसरी बात करते हैं उसकी डेफिनेशन नंबर 2। आर्टिकल 370 का 2 बोलता है कि इसका निर्माण कैसे होगा,
तो इसका निर्माण होगा संविधान सभा द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 370 का निर्माण कैसे होगा? आर्टिकल 370 का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 370 के 3 की। यही हमारे आज के टॉपिक का मेन मुद्दा है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा इसको समाप्त कर सकता है। क्या कर सकता है राष्ट्रपति? इसको समाप्त कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 370 को कौन समाप्त कर सकता है? मेन मुद्दा हमारा आज का ये है कि आर्टिकल 370 को समाप्त कौन कर सकता है, तो यहाँ पे आएगा राष्ट्रपति। अब आप लोगों के मन में एक टॉपिक उठ रहा होगा कि राष्ट्रपति किसी भी, जब संविधान सभा है तो इसको समाप्त कैसे करता है? तो मैं पहले ही आपको बता दूं, 1957-58 में जम्मू एंड कश्मीर से वहां की जो कौंसिल असेंबली थी, वहां की जो विधानसभा थी, वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, क्या 1957-58 से जम्मू एंड कश्मीर में कोई विधानसभा विधान सभा है ही नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे आता है कि 370 में आर्टिकल 370 को कौन समाप्त कर सकता है? आर्टिकल 370 को राष्ट्रपति समाप्त कर सकता है। ठीक है, जबकि हम अगर बात करें अमेंडमेंट की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट किया जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग किया जाता है। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है, जबकि 370 में आर्टिकल 368 का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, आर्टिकल 370-368 का कोई लेना देना नहीं होता है, जबकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट किया जाता है वो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग किया जाता है। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 370 पूरा समाप्त हो गया? नहीं, आर्टिकल 370 का ये पार्ट समाप्त हो गया, ये पार्ट समाप्त हो गया, लेकिन आर्टिकल 370 का फर्स्ट पार्ट अभी भी है। आर्टिकल 370 का पार्ट अभी भी है। जो भी इसमें संसूची से रिलेटेड, जो भी इसमें संवर्ती सूची से रिलेटेड अमेंडमेंट होगा, जो भी होगा, वो राष्ट्रपति के कंसेंट से ही होगा। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का अभी भी एक अभिन्न अंग है और वो समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन इज दैट कि क्या आर्टिकल 373 में साफ लिखा है कि इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति के संविधान सभा के परामर्श पर समाप्त कर सकते हैं, पर राष्ट्रपति ने तो ऐसा किया ही नहीं। जब आर्टिकल 373 की जब हम बात करते हैं, तो ये कहा जाता है कि संविधान सभा, जो वहां की विधानसभा है, वहां से कंसर्न करने के बाद राष्ट्रपति इसको समाप्त कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ने तो ऐसा कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया ही नहीं, तो ये समाप्त कैसे हो गया? ठीक है, बात ये आती है कि ये समाप्त कैसे हुआ। ठीक है, शायद इसी बात को हम कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं कि राष्ट्रपति के कोई ऑर्डर हुआ नहीं और ये समाप्त कैसे हो गया। ठीक है, तो इसमें इसका रिजल्ट क्या भविष्य में निकल सकता है, लेकिन एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर की संविधान सभा अब अस्तित्व में है ही नहीं। इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। 1957-58 से संविधान सभा समाप्त हो चुकी है। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट में जम्मू एंड कश्मीर जजमेंट में कहा गया था कि अब अनुच्छेद 370 अस्थाई नहीं है, अब वह एक परमानेंट अनुच्छेद है। ठीक है, बात ये चीज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जब 2018 में एक ऑर्डर पास किया था और उसमें ये कह दिया था कि एक तो बात ये हो गई कि आर्टिकल 370 को 1957-58 के और के बाद से जब विधानसभा अस्तित्व में है ही नहीं, वो अपना अस्तित्व भी खो चुकी है, तो राष्ट्रपति की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे राज्यपाल शासन, वहां पे राष्ट्रपति शासन ऑलरेडी लगा हुआ था, और जब
राष्ट्रपति शासन होता है तो उसमें किसी भी विधानसभा से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एक बात तो ये हुई। दूसरी बात जब जो आती है वो दूसरी बात ये आती है के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर जजमेंट में पहले ही कह दिया था कि अब जम्मू एंड कश्मीर कोई अस्थाई नहीं है, अब वो स्थाई सदन है और उसके द्वारा